आचार संहिता खत्म होने के बाद अब सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। एक के बाद एक कई बड़े आदेश जारी होना शुरू हो गए हैं। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक IAS IPS के साथ साथ भारतीय सेवा के अफसरों का DA 4% और बढ़ गया है। इसका लाभ उन्हें 1 जनवरी 2024 से मिलेगा, यानी जनवरी से अभी तक का एरियर भी उनके खाते में आएगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान हो गया है। अब उन्हें भी 50% DA मिलेगा। इससे पहले 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ओर से 6 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कहा गया है कि पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियम भारत सरकार वित्त मंत्रालय से होगा। इस देय महंगाई भत्ते का भुगतान नगद किया जाएगा। इस भुगतान में विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा अधिक भुगतान करने पर जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली की जाएगी। तो सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।